हेलो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज राहिल एंड वाचिंग आरएचके ब्लॉग्स। सो इसके पहले वाला ब्लॉग मैंने डाला था वीजे ओरिजोंटे का, और उसमें मैंने बताया था कि वीजे इंडी लाइफ आ रहा है उस लोकेशन में। सो वीजे इंडी लाइफ का एग्जैक्टली लोकेशन जो है वो वीजे ओरिजोंटे की जो शॉप्स बनी है ना उसके सामने है। थोड़ा सा लोकेशन में चेंज है, जो राइट हैंड साइड जहाँ पे सेल्स ऑफिस है वहाँ पे अभी फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है, माइट भी फ्यूचर में कुछ आए पता नहीं। तो वहाँ की पूरी एंटायर डिटेलिंग हम इस वीडियो पे समझेंगे, प्लस एक अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो शॉप्स देख रहे थे खराड़ी में, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर कुछ शॉप्स अवेलेबल हैं इनके पास में। मैं आपको एक बार बर्ड आई व्यू से दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली इसका लोकेशन कैसा है। ओके गाइस, सो मैं आपको एक बर्ड आई व्यू दे देता हूँ। तो ये है वीजे ओरिजोंटे का टॉप व्यू। सो आपको सामने पंचशील टावर्स दिख रहा है। सो ये वो रोड है जहाँ से मैं अंदर आया था। अंदर आने के बाद में गाड़ी यहाँ पे पार्क करी थी, और इसके सामने यहाँ पे नीचे थे शॉप्स, ठीक है। और यहाँ से मेन एंट्री है जहाँ पे आप अंदर आप ए टावर पे जाते हो, और यहाँ पे एमिनिटीज थी जो मैंने आपको दिखाया था, स्विमिंग पूल और जिम जो है वो इधर है। यहाँ पे अभी इनका सेल्स ऑफिस है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट टू बी कंसिडर एज ऑफ नाउ, बिकॉज ये बाद में कहीं ना कुछ यहाँ पे आएगा लेटर, लेकिन अभी फिलहाल जो कंसिडरेशन है वो ये वाला लैंड पार्सल है। सो वीजे इंडी लाइफ जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो ये शॉप्स के बराबर अपोजिट जो कि बी और सी टावर के सामने आने वाला है। यहाँ बी और सी टावर का पूरा व्यू तो चले गया है इसकी वजह से। और ये वही रोड है बीच वाला जो कि पीछे जाके ज्वाइन होगा आपका रिवर साइड रोड पे। और ये रोड से अगर आप लेफ्ट चले जाते हो तो आप सीधे आप निकल जाओगे आगे टाउनशिप की तरफ, और यहाँ से एक राइट साइड वाला जो रोड बन रहा है ये सीधे निकल जाएगा आपका गंगा प्लैटिनो के साइड में। तो इस तरीके का रिवर साइड रोड बाद में बनेगा। बट एनीवेज अभी हम लोग फिलहाल बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। सो अब मैं इसका मैं आपको पूरा लेआउट दिखा देता हूँ। सो ये है एंटायर इनका मास्टर लेआउट। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे है ना दो विंग है, ए विंग एंड बी विंग। सो इसकी दोनों की एंट्रेंस लॉबी यहाँ पे अलग दिख रही है आपको। सो ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। इसमें आपको शॉप्स मिलेंगी, फिर ऑफिस स्पेस मिलेंगे, और फिर इंडी स्वीट्स मिलेंगे। सो इस किस तरीके से डिवाइडेड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बट उसके पहले आप ये प्रोजेक्ट के कुछ की हाईलाइट्स देख लो। ये 30 फ्लोर स्टोरी के हाई राइज टावर रहेगा, जिसमें आपको टोटल 500 यूनिट्स मिलने वाले हैं, और इसमें तीन लेवल की पार्किंग रहेगी जो कि बेसमेंट पार्किंग रहेगी। और इसमें दो फ्लोर ऐसे हैं जो कि रूफ टॉप एमिनिटीज हैं, और एक 14th फ्लोर है जो रिक्रिएशनल एमिनिटीज हैं। ये दोनों फ्लोर पे एग्जैक्टली क्या दे रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सो ये एंटायर बिल्डिंग जो है वो ईस्ट वेस्ट फेसिंग है, और यहाँ पे भी नीचे कुछ और इनके ऑप्शन हैं जो सर्विसेज के तौर पर यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं। ओके गाइस, तो ये है वीजे इंडी लाइफ की बिल्डिंग। तो यहाँ पे आपको कलर वाइज मेंशन है कि सोहो कौन सा है, इंडी स्वीट्स कौन से है, रेफ्यूज एरिया कौन सा है, रिक्रिएशनल एरिया कौन सा है। सो ये नीचे के जो तीन फ्लोर हैं ये पार्किंग वाले हैं, जो कि बेसमेंट 1, 2 एंड लोअर ग्राउंड फ्लोर। इसके बाद में ये जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे आपको शॉप्स मिलेंगी। सो इसमें ये जो दो शॉप्स है ना ये थोड़े बड़े साइज के शॉप रहेंगी, और बाकी के ये छोटे साइज के शॉप्स रहेंगे। अच्छा, ये एंटायर बिल्डिंग और कलर को देख के आपको ये लग रहा होगा कि ये नीचे के जो ब्लू वाले हैं ये पूरे सोहो के ऑफिस स्पेस हैं, और ऊपर वाले जो हैं वो इंडी स्वीट्स हैं, मतलब स्टूडियोज हैं। बट ऐसा नहीं है, इसमें डिफरेंशिएशन है। ये ब्लू वाले जो हैं ये पूरे प्योर एंड प्योर ऑफिस स्पेस हैं, लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑफ द जितने भी यहाँ पे हैं वो पूरे स्टूडियोज हैं। वो इस तरीके से हैं, लेफ्ट साइड वाले ब्लू वाले जो ऑफिस स्पेस है वो देख रहे हो, जो कि 155 स्क्वायर फीट वाले हैं। इसमें है ना कहीं पर भी आपको अंदर है ना शावर नहीं दिया हुआ है, ओनली एंड ओनली टॉयलेट दिया हुआ है। सो इसलिए ये प्योर एंड प्योर इनका ऐसा था कि ये ऑफिस स्पेस में यूज होगा। लेकिन ये राइट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे ये जितने भी लेआउट्स है इन सब में आपको है ना अंदर शावर देखने मिलेगा। तो ये इनका ऐसा लॉजिक बन गया कि हम इसको है ना स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ऑफिस स्पेस के लिए डिजाइन नहीं कर रहे हैं, हम इसको एंटायर इसके लिए यूज कर रहे हैं। बट कलर डिफरेंस उन्होंने इतना वहां पे इसलिए दिखाया बिकॉज हमेशा कैसा होता है ऑफिस स्पेसेस जो है वो कभी हायर फ्लोर्स पे प्रेफर नहीं करते हैं। सो इसलिए उन्होंने ऊपर के वो पिंक कलर वाले दिखाए आफ्टर 15th फ्लोर। रीजन ये है कि ये ज्यादातर सूट होंगे फॉर स्टूडियो अपार्टमेंट्स, और नीचे के जो हैं ये सूट होंगे फॉर ऑफिस स्पेसेस। तो उन्होंने एक अपना डिफरेंशिएशन किया है वैसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मस्ट है कि ऊपर आपको स्टूडियो लेना है तो ऊपर ही लो, आप नीचे भी ले सकते हो। बट फिर वो कैसा होगा कि ऑफिस स्पेस के साथ में अगर आपका स्टूडियो अपार्टमेंट होगा तो वो थोड़ा कॉम्बिनेशन सही नहीं होता कि यार एक साइड ऑफिस है एक साइड आपका स्टूडियो है। अगर वहाँ पे आपका किसी का रहने का प्लान है या फिर रेंट आउट करने का प्लान है, अगर फिर वो लिमिट हो जाता है। तो बेटर ये है कि अगर आप रिक्रिएशनल फ्लोर जो है इनका जो 14th फ्लोर है उसके ऊपर अगर आप लेते हो ना स्टूडियो के लॉजिक से तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। सो ये है इसका फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर प्लान। सो ये जो ऑफिस स्पेसेस हैं वो स्टार्ट होते हैं जो यूजेबल कारपेट है वो है 155 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड, जो जाते हैं 208 स्क्वायर फीट तक।
और ये है इसका सेलेबल एरिया, जो आपको अमाउंट चार्ज होगा इसका, विच दैट विल बी ऑन द सेलेबल अमाउंट। सो इसमें आप कलर वाइज देख सकते हो कि कौन से स्क्वायर फिट का कौन सा ऑफिस है। सेम गोज विद सेकेंड फ्लोर टिल 11th फ्लोर, सेम स्क्वायर फिट, सेम एरिया, सब चीजें सेम है। सो से फर्स्ट फ्लोर पे और टिपिकल फ्लोर प्लान पे डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस बस एक ही है कि यहाँ पे आपको एक ओपन टेरेस मिलती है फर्स्ट फ्लोर के लिए इन ऑफिसेस के लिए, बाकी ऊपर के फ्लोर पे ये चीज आपको नहीं मिलेगी। सो ये है इसका रेफ्यूज फ्लोर, जो कि 7th एंड 12th फ्लोर पे सेम है, बस ये वाला जो ऑफिस जो है ये मर्ज होके आपका रेफ्यूज हो जाता है। ओके, सो ये है एक 14th फ्लोर जो कि रिक्रिएशनल फ्लोर है। इसमें मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये वाला पोर्शन इनका जिम है यहाँ पे, फिर बीच में एलिवेटर्स हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको कॉन्फ्रेंस रूम मिलेगा, बिजनेस सेंटर रूम, किसी को कोई वर्किंग पॉट्स चाहिए आर्ली बेसिस के लिए वो यहाँ पे ऑप्शन है, फिर स्क्रीनिंग लाउंज है, और यहाँ पे एक बड़ी सी डेक मिलेगी आपको टेरेस। सो ये है इनका 14th फ्लोर का रिक्रिएशनल फ्लोर। दिस इज द टेरेस फ्लोर, जो कि ये भी रिक्रिएशनल फ्लोर है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ जो टेरेस पे आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह मिलते हैं वो यहाँ पे रहेगा ऑन दिस साइड, एंड ये वाले साइड में आपको संडे लाउंज, योगा डेक वगैरह जो है वो सब आपको इस साइड में मिलेगा। सो ये टेरेस फ्लोर पे लिमिटेड एमिनिटीज हैं, बट अच्छे एमिनिटीज हैं। और यहाँ पे हर एक स्टूडियो के साथ या ऑफिस के साथ जो पार्किंग्स हैं वो 2 कवर्ड बाइक पार्किंग्स आपको मिलेगी, कार पार्किंग्स यहाँ पे नहीं है, कार पार्किंग जो है वो कॉमन में ही रहेगी। अच्छा, तो एक और चीज मुझे यहाँ पे बतानी है कि तो अभी वीजे ने जो है सिर्फ 13th फ्लोर तक ही बुकिंग ओपन करी है, 13th फ्लोर के ऊपर अभी तक नहीं करी है। बाद में जब वीजे 15th फ्लोर ऑनवर्ड जब इसको करेगा तब इसके प्राइसिंग्स बढ़ने वाले हैं। सो आपके पास अभी वो अपॉर्चुनिटी है कि आपको अगर लेना है, इन्वेस्ट करना है, तो वो अभी आप कर सकते हो। अगर हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ 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 हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। सो ये है इसका विंग 2। विंग 2 जो है वो सिर्फ 6th फ्लोर तक ही है, 7th फ्लोर इसका टेरेस है। इसमें भी आपको 3 लेवल की पार्किंग मिलेगी, फिर उसके हमें ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स रहेंगे, एंड देन फिर उसके ऊपर जो 3 फ्लोर हैं वो ऑफिस स्पेस है, एंड उसके ऊपर वापस से आपको स्टूडियोज मिलेंगे। विंग 2 में जो है वो मैक्सिमम शॉप्स निकाले हैं। सो ये है पूरे शॉप्स के लेआउट, और इसके साइजेस भी राइट साइड में मेंशन है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। तो ये है फर्स्ट फ्लोर वाले ऑफिस स्पेस, सेकेंड फ्लोर वाले ऑफिस स्पेस, और थर्ड फ्लोर वाले ऑफिस स्पेस। अब इसके ऊपर जो है अभी लेआउट्स वगैरह आए नहीं है, सिर्फ थर्ड फ्लोर तक ही आए हैं। हाँ जी, तो ये है इसकी कॉस्ट शीट। माइट भी आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा इसके अंदर, बिकॉज बहुत बड़ी फाइल है ये, और मैं पूरा एक साथ गो थ्रू करके नहीं दिखा सकता, बट इतना बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग प्राइजेस हैं वो है 30 लाख ऑनवर्ड्स। सो अगर किसी को ये प्राइस शीट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप मैच कर पाओगे with the floor plan and office you are looking out for. So, यहाँ पे 2 wing हैं, जैसे मैंने आपको बोला था। तो इसमें जो wing 1 है, इसमें आपको एक बड़ा shop मिलता है ground floor पे, जो कि almost 3600 square feet का है, but जो chargeable area आपको रहेगा वो रहेगा 5300, तो इसका pricing आता है 13 crore। और जो दूसरा शॉप है जो कि 256 स्क्वायर फीट का यूजेबल है, जो कि chargeable 383 स्क्वायर फीट रहेगा, इसका प्राइस आपको आएगा 95 lakh रुपीज। सो ये है विंग 2 के शॉप्स, जो कि ऑलमोस्ट 12 शॉप्स रहेंगी नीचे। सो इसका जो कार्पेट साइज और प्राइसिंग है वो देख लेना। सो इसका जो सबसे लीस्ट मुझे जो दिख रहा है वो है 1.19 crore, जो कि 399 स्क्वायर फीट का शॉप है, बाकी तो ये जाता है 2.07 crore तक। तो ये शॉप्स भी अवेलेबल हैं, अगर किसी को ये शॉप चाहिए तो आप मुझे नीचे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या अवेलेबिलिटी और इसका बुकिंग प्रोसेस कैसा है। सो अब हम आते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर के ऑफिसेज पे। सो सबसे लीस्ट जो है वो है 72 lakhs, उसके बाद में आपका 1.20 crore तक ये भी जाता है, बट ठीक है, मतलब ये भी प्राइस रिजनेबल है। अगर किसी को ऑफिस स्पेस चाहिए, जो कि अगर आपके बजट में आ रहा है ये 70 lakh, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखोगे तो ये सही है, बिकॉज कल को चल के वहाँ पे आप डेफिनेटली उसको रेंट आउट कर सकते हो ऑफिस स्पेस के हिसाब से, बिकॉज आपके बजट में आ रहा है ये। इसमें मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज होगा इसके ऊपर। ओके गाइस, सो मैंने आपको बता दिया एंटायर प्रोजेक्ट। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मुझे नहीं पता सबका सोचना क्या है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार जो लोग ऑफिस के लिए या शॉप्स के लिए या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी। रीजन क्या है कि इसका लोकेशन काफी ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ION IT के सबके करीब है फर्स्ट, और ये पंचशील टावर के पास भी है।
और इसके प्राइसिंग जो है वो भी रीजनेबल लगी मुझे, इतना कुछ हायर साइड में नहीं है। इम्पोर्टेंट वो है कि जो लोग शॉप्स लेना चाहते हैं वो अभी अपॉर्चुनिटी ग्रैप करो, बिकॉज ये प्राइसिंग में बाद में फिर जल्दी शॉप्स आपको नहीं मिलने वाली है। अभी वहां पे जो स्टूडियो है उसका जो बुकिंग अमाउंट है 2.5 लाख रुपए है, और जो शॉप्स एंड ऑफिसेस है उसका 5 लाख रुपीज बुकिंग अमाउंट। बाकी आगे तो फिर लोन वगैरह करके आप पेमेंट बाकी के प्रोसेसिंग कर सकते। कोई ऐसा है कि जो यहाँ पे नहीं रहता है, जो आउट ऑफ इंडिया है, और अगर उनका बुकिंग करनी है तो आप मुझे कॉल करो, मैं उनके साथ में आपका VC सेटअप कर दूंगा, तो उसमें आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। यू कैन थिंक कि आगे की और चीजें किस हिसाब से आपको करनी है। सो ओनली व्लॉग मत देखना, तजवीज भी रखना, तो उससे कैसे कि डिटेलिंग आपके साथ में भी हर एक चीज क्लियर रहेगी। सो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। दिस इज आहिल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन स्टे सलाम। Quiero ese hombre que me sepa amar, que